नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित नकुस्थान के पास संचालित हीरा ज्वेलर्स में बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए और निकल भागे। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। इस लूट की घटना में एक महिला बदमाश के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। घटना के संबंध में हीरा ज्वेलर्स में काम करने वाले कर्मी का बताना है कि लुटेरों की संख्या करीब 8 थी, जो सभी बाइक पर सवार होकर आए थे। सबसे पहले एक लुटेरा उनके पास आया और अंगूठी दिखाने के लिए कहा। जब तक वे अंगूठी दिखाने के लिए निकालते, तब तक अन्य बदमाश, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी, अंदर आ गए और ग्राहकों के साथ धक्का मुक्की करते हुए पिस्टल के बल पर सभी को अपने कब्जे में ले लिया और दुकान में लूटपाट करने लगे। इस दौरान सभी बदमाश कैश की भी मांग कर रहे थे। जब वह किसी तरह वहां से निकलना चाहा तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया तथा पिस्टल के बट से बुरी तरह मारपीट किया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्र, सदर SDPO SIH फकरी समेत अन्य पुलिस कर्मी घटना स्थल पर पहुँच मामले की छानबीन में जुट गए हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पहले 10 की संख्या में डकैत लोग आए थे और सारा मतलब माल लूट करके ले गए। लगभग कितने के माल होंगे? लगभग 1 करोड़ रुपए के लगभग माल होंगे। अच्छा, कैसे घुसे थे, क्या कुछ क्या? वो महिला भी साथ में थी, सामान लेने के लिए देखना ऐसे करके लोग घुसते चले गए थे। सभी क्या थे? पिस्टल सब छुपाए हुए थे, लेकिन जैसे वो हरकत में आया, सब ने अपना पिस्टल निकाल लिया। नहीं, वो एक बोरा में भर के ले गए। वो सब मोटरसाइकिल से आए थे, अपाची मोटरसाइकिल था, एक स्प्लेंडर था।